लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ और मेरा एक फाउंडेशन भी है जो सामाजिक कार्य करता है, जय हिंद युवा सेना। लखनऊ विश्वविद्यालय में लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। देखा यह कह रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है सरकार, और राष्ट्रवाद के नाम पर ही क्यों, हर मुद्दा अब सरकार का हो चुका है, चाहे वो SC ST का हो, चाहे वो OBC का हो, चाहे वो किसी भी आरक्षण को लेकर हो, हर मुद्दे पर राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अभी एक घटना है कि महाराष्ट्र में किसान ने अपनी जान दी, तो अभी ये घटना है कि 42 जवानों ने हमारे शहीद हुए, पुलवामा की घटना आप लोगों को याद होगी। तो ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि एक जवान जो किसान के घर से निकालता है वही दीवार पर जाकर अपना जो जान दे रहा है, और वही जो कर्ज के तले में आकर किसान जो है जान दे रहा है। आज देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर हर एक संगठन, हर एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हर एक प्रदर्शन इसलिए विफल होता है कि कोई ना कोई, क्योंकि हर एक जनता है वो अपने मतलब से निकल जाती है। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ है कि वकील भी हमारे साथ हैं, छात्र भी हमारे साथ हैं, और आने वाली युवा पीढ़ी हमारे साथ हैं, और शिक्षक सब भी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ ये देखा गया कि पुलवामा की शहीद जो है महिला पेट्रोल की शिकार हुई, जिन्होंने एक वीडियो वायरल किया, उनको गाली देने वाले लोग भी सरकार के थे, और इसी सरकार के बड़े बड़े मंत्री उनको जो है फॉलो करते हैं। वही एक राजनेता का बेटा जो काम करता है नोएडा से, और वही एक किसान का बेटा सीमा पर जान देता है, और वही एक किसान जो है किसानी करते करते अपना दम तोड़ देता है। आज तक मैंने कोई भी ऐसा नेता नहीं देखा है जो किसानी कर रहा हो और खर्च में डूबा हुआ हो। चुनाव जरूर लेके चल रहा होगा, अपने बेटे को जरूर चुनाव लड़ाने की बात कर रहा होगा, लेकिन सीमा पे खड़ा नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल, मतलब किस तरीके से हमने देखा कि इन्होंने बताया आज आपका क्या नाम है? सरकार से विज्ञप्ति निकाली है, इसमें आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति की वैकेंसी 0 है और सामान्य वर्ग की जो है वो 69 है, ठीक है। और इसी प्रकार से अन्य विभिन्न विभागों में, अभी रेलवे में इन्होंने निकाला है, जिस प्रकार से ये 13.64 का जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, ये हर विभाग में उसको लेकर धीमे धीमे जा रहे हैं। एक इन्होंने मुद्दा लेके आए हैं पुलवामा हत्याकांड का, हमला हुआ उसके लिए हम लोग उत्तरदायी थे, लेकिन ये पीछे पीछे बहुत सारे दलितों पिछड़ों विधायकों का जो अधिकार, उनका मूल अधिकार है, उसको वो खत्म करते जा रहे हैं। ये मेरे पास दूसरा वो है, इसलिए UP SSC युवा कल्याण का एक युवा उसका निकला हुआ था, इसका भी रिजल्ट निकला हुआ है। आप देखिए उन्होंने रिजल्ट निकाला है, ये जनरल का अलग निकाला है, सामान्य वर्ग का अलग निकाला है, OBC का अलग निकाला है, और ये SC का अलग निकाला है, और ST का अलग निकाला है, सभी वर्गों का अलग अलग इन्होंने बस रोल नंबर जारी कर दिया है। जबकि रोल नंबर जारी करने से ये नहीं पता चलता है कि कितने उसमें महिलाएं हैं, कितने उसमें पुरुष हैं, ये पूरी तरह से नहीं पता चलता, न तो हमको जनरल वर्ग की किताब का पता चलता है, न तो किताब का पता चलता है, न तो SC ST की किताब का पता चलता है, और जनरल की कितनी लड़कियाँ फाइट हुई हैं, और OBC में कितनी लड़कियाँ फाइट हुई हैं, SC ST कितने लड़के फाइट हुई हैं, उसका भी बिल्कुल हमको मत पता नहीं चलता है। सरकार पूरी तरह से एक लिस्ट जारी करती है, उन्होंने एक लिस्ट जारी करी, मौका नहीं देंगे लिस्ट के लिए, दूसरी लिस्ट के लिए, अब इन्होंने बिल्कुल तरह से पीछे से ये भ्रष्टाचार लिप्त करके लेके चले हैं। अभी जैसे अभी UP पुलिस में भी देखेंगे ताज़ा घटित हुआ है, UP पुलिस में इन्होंने सिपाही में महिलाओं की भर्ती का मामला भी निकाला था, भर्ती में इन्होंने क्या किया कि वेरिफिकेशन का, जब इनका वेरिफिकेशन पूरा हो गया, वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन पूरा हो गया, इन्होंने मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सबको लिख लो एक दिन के अंदर से अंदर बुलाया, बिल्कुल गलत है। महिलाओं को कम से कम एक हफ्ते या 10 दिन का मौका देना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहमानी का भी प्रॉब्लम होता है, जिसको वो आप पूरी तरह से नहीं शेयर कर सकते। एक दिन में उन्होंने बुला के हजारों महिलाओं को, छात्रों को यहाँ पर दिन भर बेकार का, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया है। इसके लिए सरकार पूरी तरह से जांच बिठाए, उसका पूरी तरह से दोस्तों को सजा दे, जो भी वो आगे और पीछे का जो मुद्दा उसको हमें हटाना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, दलितों के साथ शोषण हो रहा है, बाहर अप्लाई किया हुआ है, ये केंद्र सरकार क्या नहीं सुन पा रही है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बाहर कर्ज के लिए दौड़ेगी। तो कई सारे मुद्दे हैं जो कि सरकार ने अपनी तरीके से बना दिए, और जो आज ये धरना प्रदर्शन जो हो
अपडेट के लिए BCNC न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।